आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बता रही है आपको, पलवल में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नकली दवाई फैक्ट्री में छापा मारा है। मौके से भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की गई है, इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो पलवल में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। जानकारी दरअसल, शिकायतें मिल रही थी कि नकली दवाइयां बनाने का काम यहां पर हो रहा है। मौके से भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की गई है, पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में ले लिया है। पलवल का यह मामला, ख्याली कॉलोनी में ये फैक्ट्री जो है काफी समय से चल रही थी। पलवल में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। गुप्त सूचना मिली थी हमें कि यहाँ नकली दवाइयाँ कोरक्स तैयार की जा रही हैं, जिस सूचना को बेस लेकर के कई दिन से हम इसकी रैकिंग कर रहे थे और आज हमने इस कंपनी में डीसीओ पलवल को साथ लेकर रेड की, जिसमें हमें दो अक्यूजों को पकड़ा है, पंकज सिंगला व राजेश जैन, पिनंगवा के रहने वाले हैं। ख्याला कॉलोनी पलवल में ये लोग एक मकान में अवैध रूप से कोरक्स ओब्लिक ओनरेक्स नाम की दवाइयां बना रहे थे। यहाँ पर कोडिन सिर्फ बन रहा था ओनरेक्स के नाम से, विंग्स कंपनी के लेबल लग रहे थे और इसमें एज पर लेबल उसमें कोडिन फॉस्फेट भी लिखा हुआ है जो कि नारकोटिक में आता है। तो सर ये नशे के लिए प्रयोग किया जाता है? अगर इसमें कोडिन है तो ये नशे के लिए प्रयोग होने के लिए है। तो किस तरह की कार्यवाही इस पे बनती है? इस पे हमने, क्योंकि इसके पास कोई लाइसेंस नहीं था, कोई इसके पास बनाने का लाइसेंस नहीं था, कोई फैक्ट्री परमिशन में कुछ नहीं था, तो इस पे हम ड्रग एक्ट में बिना लाइसेंस के और स्पूरियस ड्रग, क्योंकि ये दूसरी कंपनी की बना रहा था तो ये स्पूरियस की कैटेगरी में फाल करता है, तो इसलिए हमने इस पे ड्रग एक्ट के तहत भी कार्रवाई की और बाकी जो है वो एनडीपीएस में भी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है।